अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करते हैं द्रास ऑनलाइन में। जहाँ आप लोगों को बताते चलें, जिस तरह कारगिल विजय दिवस की 25वीं सिल्वर जुबली हम मनाए जा रहे हैं, ठीक अभी जिस पॉइंट पे हमें लमूचंद व्यू पॉइंट में ठीक वो चौंकियाँ हैं, आप ठीक देख सकते हैं मेरे कैमरामैन। तो जैसे हम बात करें, सबसे पहले जो ट्रेंगुलर शेप में आपको नज़र आ रहा है टाइगर हिल, उसके साथ ही साथ आपको देख सकते हैं रेनो हॉर्न या कैप्टन विक्रम बत्रा टॉप, और ठीक आप लास्ट में जो गाँव है मुश्कू वैली, उसके साथ ही साथ पूरा जो है द्रास सेक्टर जो है वहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ इस तरफ जाएँ तो तलोलिंग व्यू पॉइंट। आपको पता है कि 1999 की जंग जो लड़ी गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये वो जंग थी, एज ए लोकल हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। और साथ ही साथ हम एक बात यहाँ पर ये कहेंगे कि जंग के बाद जो 25 साल हुए, आज हमें देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट, या वो टूरिज्म सेक्टर की बात करें, या लोगों को रोज़गार के सेक्टर में बात करें, रोड सेक्टर की बात करें, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें, तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा टूरिज़म या बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया। और साथ ही साथ बात करें तो काफ़ी ज़्यादा तरक्की जो है हमें देखने को मिल रही है। तो एक बार फिर तमाम हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं देख रहे हैं हमें, हम आज श्रद्धांजलि देते हैं उन लोगों को जिन्होंने अपने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए इस पूरे रिपोर्ट के साथ। मैं देखा था, ये वॉर के बारे में सुना था, टीवी पर देखते थे, आज खुद उस जगह पर आए हैं और देख कर और जो बातें सुन रहे हैं सबके साथ, सब तमाम जो भी आर्मी के लोग हैं जो वो बता रहे हैं, उसको सुनकर लग रहा है कि मतलब वो सब चीज़ें तो पता ही नहीं थी उस टाइम पे ना, जब सब लगता था कि क्या है, मतलब पहली बार अगर वॉर देखा होगा ज़िंदगी में, पढ़ा होगा उसके बारे में, सुना होगा, आज उसको लिव कर पा रहे हैं, रीलिव कर पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है यहाँ पर आकर। और खूबसूरत भी है, और इतना डिफ़िकल्ट टेरेन पर, मतलब किस तरह से उन्होंने हाई ऑल्टीट्यूड पर काम किया होगा, सोच कर ही लगता है कि मतलब मुझे चढ़ने में ही, मतलब मैं सोच नहीं सकती कि मैं ऐसे नॉर्मल वॉक पर भी जा सकती हूँ। उन्होंने यहाँ पर लड़ाई करी, अपनी जान भी दी, और उसके लिए तो मतलब कोई कुछ वर्ड्स भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। ये रिपोर्टिंग में ये है कि देखिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि सब एक साथ होते हैं, फोर्सेस के लोग जो हैं, आर्मी के लोग भी हैं, वो भी हमसे काफ़ी कोऑपरेट करते, शेयर करते हैं कि हमें समझाते हैं यहाँ पर क्या कुछ है, और इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है, सही रिपोर्टिंग देखिए जब बात आती है स्पेशली डिफेंस की, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी होती है, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है, सच दिखाना और सही तरीके से दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। उस टाइम हमारी मतलब ये सिख यूनिट का ये टास्क था टाइगर हिल क्लियर करने का, इंडिया गेट पर हमने अटैक किया और कब्जा किया, हमारे ऊपर काउंटर अटैक आया 6 तारीख को सुबह 5 बजे काउंटर अटैक आया, जहाँ काफ़ी हम तो 2 अफसर 4 देशी और 46 और मतलब के 52 से टोटल 600-700 की तैदी में घबरा गए। चलो उस टाइम ये था मन में, पता नहीं अभी वापस जाना मुश्किल है, चलो जो भी बन पड़ता है करो जितना बन पड़ता है। तो अटैक आया, उसमें एक ट्रैक सूट वाला था लंबा सा जवान, तो बार बार हम उनका धकेल देते हैं 1 किलोमीटर पीछे, वो फिर इकट्ठे करके ले आता है, फिर हम उसको धकेल देते हैं, ऐसे करके वो 2 बार धकेला, फिर वो 3री बार लेके आया। जब कमांडर साहब ब्रिगेडियर बाजवा ने बोला जब तक ये नहीं गिरेगा तो हमारी लड़ाई सक्सेसफुल नहीं होगी, तो मैंने देखा भी ये 3री बार फिर लेके आ गया, इकट्ठे करके मैंने उसके घुटने में मारी गोली और उसको गिरा दिया, हम एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े, हैंड टू हैंड हमारी फाइट हुई काफ़ी, फिर मैंने उसी के बेंट से उसके गले में मार के तो 4 लोगों को मारा मैंने। जब उसकी जेब से कोई लेटर निकले तो पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर था कैप्टन कर्नल शेर खान, तो ब्रिगेडियर बाजवा ने फिर उनके जेब में चिट डाली, ब्रेवरी तगड़ा अफसर था आपका, बार बार मतलब के पीछे धकेलने की वजह से फिर लेके आता था, इसको सम्मान देना चाहिए। फिर 2009 में पाकिस्तान ने उसको निशाने हैदराबाद दिया। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करते हैं, 25वीं सिल्वर जुबली हम मनाए जा रहे हैं, तो ठीक अभी हमारे साथ जुड़े हैं मेहर साहब जो कारगिल हीरो भी रह चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम सर, और द्रास में हैं सर, ठीक हम आपके पॉइंट पे पीछे बैठे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कारगिल वॉर के? कारगिल वॉर का एक्सपीरियंस तो वही है, जब 25 साल पहले हमने इन्हीं पहाड़ियों पे जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था यहाँ पे लड़ने का, तो जो 0.540 को है उसको उसमें जो है हमने हमला किया था कैप्टन विक्रम बत्रा के साहब, तो कैप्टन विक्रम बत्रा साहब ने सक्सेस सिग्नल दिया था कमान अधिकारी साहब को, ये दिल मांगे मोर, बिल्कुल, और उसी ऑपरेशन में जो है दुश्मन के साथ गुथमुथा लड़ाई किया था, और उसी बहादुरी को देखते हुए मुझे वीर चक्र से सम्मानित किया गया था,
इस सफलता को देखते हुए हमें तुरंत दूसरा टास्क दिया गया था 0.4875। तो यहाँ पे 7 जुलाई सुबह जो है बत्रा साहब ने दुश्मन के 5 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था और उन्हें भी एक बुलेट लगा था और वो वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी साथ को देखते हुए हमारा खून ऑल खोल गया और हमने दुश्मन की ईंट से ईंट बजाने का निर्णय ले लिया और हमने तुरंत दुश्मन के ऊपर धावा बोला और दुश्मन के 14 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। बड़ी गंभीर लड़ाई थी 25 साल पहले और बड़ी खुशी की बात है कि हम आज ये रजत जयंती मना रहे हैं। हमारी इस लड़ाई में बड़ी कैजुअलिटीज हुई है, बड़ा दुख लगता है कि और आपने देखा क्या माहौल है यहाँ पे, समय सब याददाश्त ताज़ी होती है, दिल भारी होता है ये देख के जो जिन्होंने अपनी देश के लिए कुर्बानी की उनकी फैमिलीज आई हुई है यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा मगर अच्छा अवसर है, खुशी की भी बात है दुख की भी बात है, अच्छा अवसर है। जय झूले नमस्ते, मैं दिन विजय दिवस लाइन से निकले 25 साल से विजय दिवस लाइन आया बोते तुकले विजय दिवस लाइन से मैं टपरा ले चेना मई हस्बैंड देश से फिया शहीद सॉन्ग से ना और फिर आए हस्बैंड ने जैसे नया चांग में मिंग मो बिंग से नौ लेते मैंने नया चांग पता में क्या हस्बैंड दे से फिर शहीद सॉन्ग पर आए मैं टक पचरा ले दे से फिर शहीद सॉन्ग से ना पाले और फिर मैं टक पचरा ले कैसा ले। इंडियन आर्मी जनाब देखो तो कोई पूछने वाले नहीं थे, हमें रात को उठा के ले गए यहाँ से लेके तोलोनी के कहीं नाले में छोड़ दिया। हमने रात भर जो है कंधे लाल हो गए, हमने अमरेशन और पूरा राशन को दो दो की एक महीना हमको वहाँ रात दिन वहाँ हमने फौज के हेल्प किया। आज 25 साल हुए सर हमें कारगिल विजय दिवस को, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारे वीर सपूतों को हमने अपने इस प्राणों की आहुति देखते हमने देखा है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं देशवासियों को सर? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम जो रजत जयंती समारोह जो 25 ईयर का आज हम मनाने जा रहे हैं वो हमारे बहुत सारे सैनिकों ने जो बलिदान यहाँ पे दिया है उनकी बदौलत आज हम यहाँ पे एकत्रित हैं सभी यहाँ पे। और हर साल आपने देखा होगा कि हम अपने जो शहीद सैनिक हैं जो हमारे साथी हैं जो जिन्होंने यहाँ पे अपना सर्वोच्च निछावर किया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल यहाँ इकट्ठे होते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल हम ये दुनिया को दिखाते हैं या पाकिस्तान को ये दर्शाना चाहते हैं कि जो इंडियन आर्मी फौज है वो आज से 25 साल पहले वाली नहीं है, आज हम चांद तक पहुंच गए हैं और इंडियन आर्मी भी बहुत जिसको बोलते हैं मजबूत है और पहले वाली आर्मी नहीं रही और हमारे पास काफ़ी कुछ जो इंस्ट्रूमेंट से लेके बाकी संसाधनों से लेके हमारी आर्मी आज लेस है। पीढ़ी की जिम्मेवारियाँ हैं कि इस देश को इस जो परंपरा है इसको लेके आगे चलें और अपने देश की जो सुरक्षा उसको सुनिश्चित करें। भारतीय सेना को इस वक्त आप कहाँ देखते हैं और उस वक्त ऑपरेशन विजय को आपने लीड किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए 25 साल में तो बहुत फ़र्क आ गया है भारतीय सेना में, उस वक्त कुछ कमज़ोरियाँ थी उसकी वजह से वो लोग अंदर आ गए हमारी, पर भारतीय सेना में एक बात जो हमेशा कायम रही है वो है हमारे जवानों की और हमारे अफसरों की बहादुरी, ठीक है, और उसी की वजह से हम लोग उस वक़्त भी हम ऑपरेशन विजय जीत पाए थे और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अभी हालत जो है काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया, हमारे हथियार पहले से बहुत अच्छे हैं, हमारे पास सर्वेलेंस डिवाइसेस बहुत अच्छी हैं और उसके साथ साथ में ना सिर्फ आर्मी की बट आर्मी नेवी एयरफोर्स तो कैपेबिलिटीज़ जो हैं हमारी बहुत बढ़ गई हैं पहले से, हमारे में अभी ताकत बहुत और इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर इस इन एरिया में पहले कभी सड़कें नहीं थी अब वो सड़कें बन गई है, उससे हमको लड़ाई करने में और भी आसानी मिल जाती हो जाती है। सो मैं ये देखता हूँ कि बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है, कुछ और भी होनी है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी हो जाएगी। सर 99 वॉर के दौरान आर्मी के साथ साथ सिविलियंस का किस तरह का रोल रहा है? बहुत अच्छा रहा है, दैट आई है इट्स अ गुड क्वेश्चन कि जो यहाँ के सिविलियंस थे चाहे वो द्रास के थे या ले के थे, और मैंने खुद देखा है उस वक़्त कि बीए
ग्रेजुएट लड़के वो वॉलंटियर करके आए कि हमको कहीं पर जो भी आपको मदद चाहिए, वो पोर्टर का काम भी करने के लिए आए. सो वी हैड ए लॉट ऑफ कोऑपरेशन हियर, और इसके साथ साथ में बाकी देश की भी थी, पर यहाँ वाले जो लोग हैं उनके लिए तो मैं उनकी तो बहुत सराहना करता हूँ. क्या मैसेज? I get an upheaval of emotions and patriotism. Thank you so much again for protecting us. Jai Hind, salute to you. This is what she has written. Thank you very much, Anshuma. I am sure there are thousands of letters, हजारों खत हमें मिले हैं, और हमारे भारतीय जनता, हमारे जो युवा पीढ़ी है, इनके प्रोत्साहन और इनका ये जो बल है हमारे पीछे, यही हमें वो ताकत देती है कि हम आज की तारीख में इस बॉर्डर पे खड़े हैं और हम अपने देश की सुरक्षा कर पा रहे हैं. और इस तरह से ये सारे वीर जवान इसी मनोबल के साथ हम वहां पे डटे रहेंगे जब तक आप हमें देंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. ऑर्गेनाइजेशन IIMUN, हम लोग कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं 220 सिटीज और 35 कंट्रीज में, बट उसके अलावा हम हर महीने डिफरेंट डिफरेंट सोशल इम्पैक्ट एक्टिविटीज करते हैं. तो जनरल वीपी मलिक हमारे बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में हैं, और उन्होंने हमें इनवाइट किया था कारगिल विजय दिवस के 25th एनिवर्सरी पे. तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने सोल्जर्स के लिए थोड़ा प्रोत्साहन पूरे देश भर से कलेक्ट करें और लेके जाएं. तो हमने ये लास्ट ईयर भी किया था और इस साल भी हमने ये सेम चीज़ की है. तो हमने पूरे भारतवर्ष में से सारे जितने बच्चे, बूढ़े, जितने भी लोग हो सकते थे, उनसे इनके लिए हम लेटर्स लिखवा के लाए थे ताकि हम इन्हें प्रोत्साहन दे सके. एंड हमने अराउंड अप्रॉक्स 2000 लेटर्स कलेक्ट किए हैं जो हमने थोड़ी देर पहले अपने सोल्जर्स को दिए हैं. एंड हम चाहते हैं कि इनकी कुर्बानी ज़ाया ना जाए और इन्हें पता चले कि हमारे देश की जो जनता है, स्पेशली द यूथ, वो इन्हें कितना चाहती है और कितना प्रोत्साहन देना चाहती है.